नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज हम बात करेंगे साल के आखिरी शुक्रवार के विषय में। जी हां, आज शुक्रवार का दिन है, तो पांच महा उपाय आपके साथ साझा करेंगे। साल के जाते जाते इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला संपूर्ण 2024 आपको शुभता भी दे और आपके घर में धन की वृद्धि हो। पांच वो महा उपाय कौन से हैं, उन्हें क्रमानुसार आपके साथ साझा करूंगा। लाइव आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। दैनिक राशिफल की चर्चा होगी चंद्र कुंडली के आधार पर, और चार महा उपाय हर दिन की तरह आपके लिए हाजिर हैं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज भी दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र आप नोट करिए, ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से कहीं ना कहीं आपको रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपका पैसा कहीं व्यापार में फंस गया है, किसी व्यक्ति ने उधार लिया था, अब आपका वो फोन नहीं उठाता। तो भाई, इस मंत्र का, भगवती के महामंत्र का आप जाप करिए, आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं आपको शुभता भी देखने के लिए जरूर मिलेगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। सुबह 7:30 से 9 के मध्य यह समय है। कोई नया कार्य करना चाहते हैं, किसी कार्य की शुरुआत चाहते हैं और पीछे कोई कार्य छूट गया है, उसको दोबारा से शुरू करना है, तो इस समय का सदुपयोग करिए, भरपूर लाभ होगा। ठीक इसके विपरीत होगा राहु काल, जिससे आपको बचना है। सुबह 10:30 से 12 के मध्य कोई भी नया और पेंडिंग कार्य बिल्कुल ना करिएगा, वरना मुश्किल होगी। विषय की ओर आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह शुक्र ग्रह की खासियत क्या है, क्या इसकी महिमा है, क्या इसकी महत्ता है, सबसे पहले वो ही जान लीजिए। देखिए, संपूर्ण ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आकर्षण और प्रेम का कारक कहा गया है। यही शुक्र आपकी आई साइड के भी कारक, यानी कि जो नेत्र ज्योति है, नेत्रों के कारक सूर्य और चंद्रमा है, जो देखने की क्षमता है, जो विजन है, वो शुक्र है। शुक्र ग्रह की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है भगवती महालक्ष्मी। इसी कारण शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी का व्रत भी किया जाता है। मित्रों, लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं हमारी माताएं बहनें, लक्ष्मी जी को मनाते हैं, दीपावली पर भी पूजन होता है, तो यहां शुक्र की महत्ता है। अब शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह के मंत्र जाप करके, देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करके आपके बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं, बशर्ते आपको क्या विधि अपनानी है, कौन से उपाय करने हैं, किस दिशा और दशा में आपको यह पूजा अर्चना करनी है, यह आपको पहले जान लेना चाहिए। मित्रों, शुक्रवार के दिन आपको कौन कौन से पांच महा उपाय करने हैं, जिससे आपके घर में संपूर्ण 2024 में धन धान्य की वृद्धि होती रहे और जाता हुए ये जो साल है 2023 कहीं आपको कोई नुकसान ना दे। तो भाई, शुक्रवार के दिन सुबह के समय स्नान करके गेहूं के आटे की एक रोटी बनानी है, उस पर थोड़ा सा दही, थोड़ा सा शक्कर रखिए, मां भगवती का, महालक्ष्मी का आप ध्यान करिए। अब अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से या किसी बुजुर्ग महिला के हाथ से यह रोटी आप गाय को दिलवाइए। आज के दिन करके देखिए मित्रों, आपको लाभ भी मिलेगा और आने वाला वर्ष भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। शुक्रवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में गाय के गोबर का आपको एक उपला लेना है। उस उपले को पहले आप गैस पर या चूल्हे पर कहीं आप पका लीजिएगा अच्छे से। उस पर थोड़ा सा देसी घी, सफेद चंदन 2-4 चुटकी, थोड़ी सी गोलागिरी आप उस पर डाल दीजिए। अब इसको सारे घर में घुमाइएगा, जो थोड़ा सा धुआं उठेगा, थोड़ा सा स्मोक होगा, संपूर्ण घर में आप इसे दिखाइए। मंगल, चंद्रमा, कहीं ना कहीं जो आपके ग्रह खराब चल रहे थे वो आपको शुभ परिणाम भी देंगे और चंद्र मंगल भी कुंडली का मजबूत होगा। धन, स्वास्थ्य और संतान की सभी प्रकार की जो चिंताएं हैं उनको खत्म करने के लिए और विशेष तौर पर संपदा की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आप शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी के मंदिर में लाल गुड़हल के पुष्प या गुलाब के फूलों की माला अर्पित करिए। उन्हें साबूदाने की खीर का भोग लगाइए। अनार, गुड़ आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं और एक शुद्ध घी का दीपक आपको जरूर जलाना है। जो आज हमने आपको दिव्य महामंत्र दिया था वही मंत्र आपके यहां पर काम आने वाला है, आपने वो नोट कर लिया होगा, ओम श्रीम श्रीयै नमः।
इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जाप के बाद आप देखेंगे कि भगवती की आशीर्वाद, भगवती की अनुकंपा, उनकी विशेष कृपा आप पर हो रही है। तो इस उपाय को आज जरूर करिएगा। शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको दूध मिश्री मिलाकर जो है अर्पित करना है, और पीपल के पेड़ की कम से कम 7 प्रदक्षिणा भी करनी है। मिट्टी का तिलक अपने माथे पर कर लीजिएगा वहां से। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो आपकी सेहत अच्छी होगी, बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और एक छोटा सा उपाय, अपनी बहन, अपनी बिटिया, अपनी बुआ को कुछ उपहार दीजिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन आप अगर ये उपाय करेंगे तो कुंडली का बुध भी मजबूत होगा। यानी शुक्रवार के दिन आप बुध का उपाय कर सकते हो और बुधवार के दिन शुक्र का, बहुत अच्छा रहता है। जरूरतमंद महिलाओं को अन्न और वस्त्र देकर उनकी मदद करिए। संभव हो तो किसी बुजुर्ग महिला के चरण स्पर्श भी कर लीजिए। आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला है, उनके चरण स्पर्श करिए, वरना आपके आसपास में कोई महिला हो उनके चरण स्पर्श करिए। भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपके घर में धन धान्य की खूब वृद्धि होगी। मित्रों, 4 महा उपाय आपके लिए मैं लेकर आया हूं, एक सटीक समय से साझा करूंगा, आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए मेष वृष मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। पैरों के रोग से बचाव होगा, आपको बचना है। रुके काम में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग है गेरुआ, आज पितरों के नाम से दान जरूर करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। अकारण खर्च से, यानी कि फिजूल खर्ची से आपके घर में कलह होगा। पहले तो आप पैसा खर्च देंगे, उसके बाद आप कलह कलेश करेंगे, तो इससे आपको बचना है। अपनी वाणी पर आप संयम रखिए, नया व्यापार शुरू ना करिएगा। शुभ रंग है कत्थई, आज देवी लक्ष्मी को गुलकंद का पान जरूर अर्पित करें। मित्रों, बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। ऑफिस में नए काम की आपको जिम्मेदारी मिल सकती है, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। व्यापार में कोई बदलाव ना करें। शुभ रंग है जामुनी, आज भगवान मंगल मूर्ति को थोड़ी सी दूरवा और मोदक जरूर अर्पित करें। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश कुमार, वो कह रहे हैं जॉब की तलाश कब खत्म होगी, नया काम करना चाहता हूं, मैं क्या करूं। देखिए राजेश, आज साल का आखिरी शुक्रवार है, आज आप एक छोटा सा उपाय कर दीजिए। एक साबुत आप गोला लीजिए, ऊपर से उसे थोड़ा सा काट दीजिए, पंचमेवा को घर में पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा शक्कर या बूरा मिलाइए और उस गोले के अंदर ऊपर तक आप भर दीजिए। अब इस गोले को अपने माथे से स्पर्श करके देवी भगवती का, अपने कुल देवी देवताओं का, पितरों का ध्यान करके पीपल के पेड़ की जड़ के पास हल्का सा गड्ढा करके आप इसे खोदकर जो है थोड़ा सा दबा दीजिएगा। ऊपर से आप इसे थोड़ा खुला रहने दीजिए ताकि चींटियां जो है इसको जो है अपने उसके खाने के रूप में जो है स्वीकार कर सकें। ये छोटा सा उपाय आज कर दीजिए। आने वाले वर्ष में बृहस्पति के राशि परिवर्तन से पहले पहले, यानी कि मई से पहले पहले आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। निश्चिंत रहिए, अपने घर में नींबू और नमक का पोछा लगवाना शुरू कर दीजिए। आइए मित्रों, बात कर लेते हैं उस महा उपाय की जो धन की समस्या को खत्म कर सकता है। मित्रों, आज शुक्रवार का दिन है तो शाम के समय कमल का फूल और थोड़ी सी पंचमेवा देवी भगवती को, देवी महालक्ष्मी को अर्पित करिए। वहीं पर बैठकर या खड़े होकर लक्ष्मी स्तोत्र का कम से कम 3 बार पाठ जरूर करना है। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पुराने विवाद से आज आप कहीं ना कहीं विचलित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। धैर्य और हिम्मत से आप काम लीजिए। समय पर आपके रिश्तेदार की आपको मदद भी मिलेगी। शुभ रंग आसमानी, आज देवी उपासना करिए, गायत्री कवच का पाठ कर लीजिए, हो सके तो दुर्गा कवच का पाठ कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, आज सीधे किसी निष्कर्ष पर आपको नहीं पहुंचना है। मित्र से अलगाव खत्म होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला, आज भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाइए और थोड़ा सा गुड़ पीपल के पेड़ के नीचे जरूर रखिए। कन्या राशि, मित्रों, आज आपके कार्यस्थल पर, ऑफिस में, व्यापारिक स्थल पर छोटा सा बदलाव होगा। नए अवसर की आपको प्राप्ति होगी। शाम तक व्यापार में किसी को पैसा उधार ना दें। शुभ रंग गेरुआ, आज पीले फल का दान सर्वोत्तम साबित होगा।
स्वजल कुमार झा हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है भैया आपका। और इनका प्रश्न है कि गुरुजी मुझे नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस, क्या मैं करूं? बिल्कुल आपको बता देते हैं आपके जन्मांक अनुसार स्वजल जी, ये आपका जन्मांक मैं पहले बना लेता हूं। मेरे पास आपकी जो डिटेल है वो आ चुकी है, 14 मई का आपका बर्थ है 2001 का, जन्म का समय सुबह 6:17। यहां पर ये आपकी पत्रिका तैयार। देखिए स्वजल जी, वृषभ लग्न की पत्रिका, गुरु शनि बुध की युति कुंडली के लग्न में है और कुंडली के दशम भाव का स्वामी लग्न के अंदर है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने स्वयं का कोई व्यापार शुरू करना चाहिए। उच्च का शुक्र एकादश भाव में है और वह भी लग्नेश होकर कॉस्मेटिक से रिलेटेड या कोई सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड आप अपना व्यापार शुरू करिए, आपको भरपूर लाभ होगा। लाभ से पहले कम से कम 5 शुक्रवार आप व्रत करिएगा, और माफ कीजिएगा, इस कार्य को शुरू करने से पहले आप 5 शुक्रवार व्रत करिएगा। देवी भगवती को पंचमेवा का भोग लगाइए, छोटी कन्याओं में बांट दीजिए। आने वाले 6 शुक्रवार तक आपका कार्य प्रारंभ हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। आइए मित्रों बात कर लेते हैं उस महाउपाय की जो आजीविका की समस्या को खत्म कर सकता है। मित्रों 7 की संख्या में लाल कनेर के पुष्प ले लीजिए या लाल गुलाब के पुष्प ले लीजिए, देवी लक्ष्मी को अर्पित करके उनके 32 नामों का आप जाप करिए या देवी दुर्गा के 32 नामों का जाप करिए। यह छोटा सा उपाय आज करके देखिए, भरपूर लाभ होगा। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आसपास के लोगों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, किसी के साथ धोखा ना करें, पुरानी बीमारी धीरे धीरे कम होगी, शुभ रंग है नीला, आज फल और वस्त्र का दान जरूर करना है। मित्रों बात करते हैं वृश्चिक राशि, आज नई जो जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है ठीक से निभाइए, गलत खान पान से दूर रहें, व्यापार में सफलता का प्रयास जारी रखिए, शुभ रंग है गेरुआ, आज शिवलिंग पर शहद जरूर चढ़ाइए। बात करते हैं धनुराशि के मित्रों, आज उच्च पद पर बैठे लोगों से यानी कि उच्च अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी, पिता को मनाने का प्रयास करें, छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है, शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरी, आज एक छोटा सा उपाय आपका कार्य बना सकता है, हनुमान जी को फल और फूल अर्पित करिए, एक फूल उनके श्री चरणों से स्पर्श कराइए, अपने घर ले आइए और फल जो है छोटे बच्चों में बांट दीजिए। यशवंत तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है भैया आपका। और इनका प्रश्न है कि गुरुजी मेरे जीवन में सरकारी नौकरी है या नहीं, अगर है तो वो कब तक लग सकती है? बिल्कुल यशवंत जी, आपके प्रश्न का भी जवाब आपको देते हैं, निश्चिंत रहिए। देखिए यहां पर जो चार्ट तैयार होता है, सूर्य और मंगल की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, वर्ष 2024 में तो आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, मध्य यानी कि लगभग जून तक इस तरीके का कुछ योग बना हुआ है, आप एक बार प्रयास करके देखिएगा, आपको सफलता मिल सकती है, यानी कि मध्य 2025 में यानी जून 2025 के बाद ही इस तरीके कुछ योग संयोग है, तब तक आप कोई प्राइवेट नौकरी कर लीजिए, ऐसे ही घर पर ना बैठिएगा, उपाय के तौर पर संभव हो तो भगवान सूर्य की उपासना प्रतिदिन जरूर करिए। आइए मित्रों बात करते हैं उस महाउपाय की जो आपकी सेहत को एकदम से अच्छा कर सकता है। मित्रों एक गिलास पीने वाले पानी में थोड़ी सी अजवाइन और मेथी मिलाकर आप भिगो दीजिए, सुबह के समय खाली पेट इसका सेवन करिए, वात रोग की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या और कहीं ना कहीं पाचन तंत्र के विकार भी ये छोटा सा उपाय करने से दूर हो सकता है। आइए अब समय हो गया है मकर कुंभ मीन राशि के दैनिक राशिफल को जानने का। मकर राशि, मित्रों कोई पुरानी बीमारी या रोग फिर से उभर सकता है, जल्दबाजी से कोई काम ना करें, वात की समस्या में आराम होगा, शुभ रंग है गाजरी, आज ओम क्लीम नमः मंत्र का 108 बार जरूर जाप करें। बात करते हैं मित्रों कुंभ राशि की, सफलता के योग मजबूत होंगे, अपने परिवार से आपको कोई बात नहीं छुपानी है, सुबह के समय योग करिए, ध्यान करिए, थोड़ा सा रनिंग करिए, अच्छा है, शुभ रंग है गुलाबी, आज किसी धार्मिक स्थल पर जाकर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाइए।
मीन राशि। मित्रों, पारिवारिक स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार होगा। नौकरी के आपको नए अवसर भी मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। शुभ रंग है आपके लिए सफेद। एक छोटा सा उपाय, छोटे बच्चों को कुछ उपहार दीजिए, मिठाई खिलाइए, फल दीजिए, आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। मित्रों, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज बेनीवार, बहुत स्वागत है आपका। और इनका प्रश्न है कि गुरुजी, सेहत अच्छी नहीं रहती, अच्छी सेहत के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए सूरज, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला काम अपने जन्मांक के अनुसार आप अपने शयन कक्ष को बदलिए। इन द सेंस कि आप घर की दक्षिण और पश्चिम वाली दिशा में सोइए। सोते समय आपका सिराना या तो पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर रहना चाहिए, या आप गहरे रंग की बेडशीट को प्रयोग करना बंद कर दीजिए। हल्के पीले या हल्के सफेद रंग की आपको जो है बेडशीट का इस्तेमाल करना है। सोने से पहले अपने कमरे में थोड़ा सा देसी कपूर जलाइए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार सुबह के समय स्नान करने के बाद जाप जरूर करिए, और किसी योग्य चिकित्सक से भी, डॉक्टर से भी सलाह जरूर लीजिएगा। मित्रों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमारी स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप अपने प्रश्न को जरूर साझा करिए, आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मित्रों, एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, और इनका जो प्रश्न है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर ही है। अगर आपको स्वास्थ्य की कोई भी समस्या है तो देखिए, इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। ये सभी दर्शक, सभी लोग सुन लें, ये रोहतास जी के लिए भी यही उपाय रहेगा। देखिए, हमेशा जब तबीयत खराब हो तो सबसे पहले आपको हो सके तो अपने घर के ईशान कोण में बैठना चाहिए। यह स्थान होता है भगवान शिव का। नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। थोड़ी सी सफेद मीठी वस्तु पीपल के पेड़ के नीचे या कीकर के पेड़ के नीचे जरूर रखनी चाहिए। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपको शुभता मिलेगी, आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत, आपकी हेल्थ धीरे धीरे रिकवर होने लगेगी। और समय समय पर आप अपना चेकअप भी करा लीजिएगा डॉक्टर से। आइए मित्रों, बात करते हैं उस महाउपाय की जो हर दुख परेशानी और संकट को खत्म कर सकता है। मित्रों, मंगलवार की मध्य दोपहर या हर पूर्णिमा या अमावस्या पर मंगल देवता के 21 नामों का जाप करिए। मीठी वस्तु का दान कर दीजिए। छोटा सा उपाय करके देखिए, कर्ज की समस्या, लड़ाई झगड़े की समस्या, आप हर नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचा पाएंगे, हर टेंशन से आप दूर रहेंगे। इन उपायों का, इन नामों का अनुसरण आप जरूर करते रहिएगा। समय समय पर आप इसे दोहरा भी सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि साल का आखिरी शुक्रवार है। 5 महा उपाय आपको दे दिए, उनका अनुसरण करिए, उन्हें फॉलो करिए, आपको भरपूर लाभ होगा। और इतना लाभ होगा, यकीन मान के चलिए, आने वाला 2024 भी कहीं ना कहीं शुभता आपके लिए लेकर आ रहा है। इन उपायों को बस फॉलो कर लीजिएगा, और इन उपायों को अपने मित्र सखा रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।